रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का रहम करम और फ़ज़ल के साथ आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज हम अपनी मुर्गी को देखेंगे जो वो अंडों पर बैठी हुई है। तकरीबन हो गए उसको बैठकर, और 4-5 दिन बाकी है बच्चे निकलने के लिए, और 4-5 दिन के बाद बच्चे निकल जाएंगे। और आपको अपडेट दिखाता हूँ कि हमारे वो चूज़े लेके आए थे ना काले वाले, और उनका बुदखों का इंशाल्लाह। जिस मुर्गी को हमने अंडों पर बिठाया था वो मुर्गी अभी चारा खाने के लिए आई हुई है आज, और 4-5 दिन बाकी है मुर्गी से अंडों से बच्चे निकलने के लिए। और जो वो काले माले मुर्गी गिफ्ट किए थे ना, वो मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था ना, उसमें से एक बीमार हो गई है। ये देखिए ऐसी रुकी हुई है, ये छोड़ेंगे तो मर जाएगी। अभी क्या करें इसका समझ में नहीं आ रहा है, देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने बोला था अपने कंपनी के लड़कों को काट लो, काट कर खा लो बोल के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चार मुर्गे एक्टिव से हैं। पहले तो जब दिया था ना, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही एक मुर्गी का बच्चा मर गया था, और अभी एक बहुत बीमार है। उसकी आँख बहुत मोटी सी हो गई है, क्या नहीं, वो उसने जब दिया था तो थोड़ा सा था, लेकिन अब वो ज़्यादा हो गया है। ये बड़ी वाली मुर्गी है ना, वो मारती है वो दोनों बच्चों को। अभी चार हैं काले वाले मुर्गी के बच्चे और एक बड़ी मुर्गी, चारों बच्चे आ गए हैं। शाम का वक्त होने को लगा है, घंटे 5:30 होने को हैं। अभी चारों आँखें खड़ गए हैं मूछने के लिए, और वो बुदका है ना, वो बुदकों भी आ गए हैं उसको, वो उधर पे हैं। दिखाता हूँ कि आपको बुदक कहाँ पर है बोल के। और रोज़ अंडे देती है बुदक, लेकिन बैठती नहीं है अंडों पे, इंक्यूबेट नहीं करती है। क्या करें सोच रहा हूँ, उनके अंडे भी जमा हो गए हैं, 13-14 अंडे जमा हो गए हैं, लेकिन वो बैठती नहीं है अंडों पर। दिखाता हूँ रुकिए, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे बुदक जैसे ही शाम होता है ना ये आ जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं ये घूमने के लिए, और फिर शाम के वक्त से इसे टाइम पे आ जाते हैं। अब इनका क्या करें समझ में नहीं आता, ये अंडे पे बैठती नहीं है ना। देखेंगे और 2-4 दिन रख के अंडे पे बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंडे हमारे पास दूसरी मुर्गी भी नहीं है जो अंडों पर बैठ सके, कुछ उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, देखते हैं। हमारी मुर्गी फिर अंडों पे आके बैठ गई है। अभी हम चेक करते हैं अंडों में से कितने अंडों में बच्चे हैं और कितने अंडों पे नहीं है, कैंडलिंग करते हैं, दिखाता हूँ आपको। अभी हम मुर्गी के अंडों को उठाकर इंक्यूबेट करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसमें माशाल्लाह बच्चा जमा हुआ है। वो ये अंडा ख़राब हो चुका है, देखिए दिख रहा है आपको, पूरा सा लाल है। हाँ इसमें भी अंडा जमा हुआ है बच्चा नहीं। ये खराब हो चुका है, इंशाल्लाह इसमें भी निकलेगा। ये दो अंडे खराब हो चुके हैं। हम यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद शुक्र को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी हर एक परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला आपको सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।